शाम कराची के बाहर खुदकुश धमाका करने वाली हमलावर खातून की एक और सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में हमलावर खातून को रिक्शे में जामिया कराची की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। जाए वकुआ पर पहले से सहूलतकार बुरकापोश खातून मौजूद थी। बुरकापोश खातून ने खुदकुश हमलावर को डिवाइस का रिमोट दिया। बुरकापोश खातून मुसलसल फोन पर किसी से बातचीत करती रही। बुरकापोश खातून से मिलने के बाद हमलावर अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद कमाल बताइएगा, नई तहकीकात में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, ये एक नई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि जो हमलावर खातून है ये रिक्शे में यूनिवर्सिटी पहुंची। इसने जो है रिक्शा रुकने के बाद एक खातून से इसने रब्ता किया। उसने इसे कोई चीज दी जिसके बारे में ये इम्कान है कि डिवाइस का रिमोट जैसी मुतलिक कोई चीज हो सकती है। बड़ी मुख्तसर इनमें गुफ्तगु हुई, उसके बाद जो है देखा जा सकता है कि ये खातून जो है बड़ी तेजी से अपने टारगेट की जानी बढ़ती है, जबकि जो दूसरी खातून है वो भी मुसलसल जो है मोबाइल पे किसी के साथ रबते में रहती है। जाए वकुआ से पहले सूरतकार जो बरका जाए वकुआ में पहले से जो सूरतकार खातून मुबैना वो मौजूद थी और उसको जो है कैमरे की आंख ने जो है उसकी जो हरकत है वो महफूज भी की है। बुरकापोश खातून से बातचीत के बाद खातून वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद जो है ये धमाका हुआ है। रिक्शा ड्राइवर के मुतालिक अभी क्लियर नहीं है कि वो इस सारे वाक्य से मनसूबाबंदी से इल्म था या उसको इल्म था या वो इससे ला इल्म था। इस पर जो है तफ्तीश की जा रही है और मजीद जो है सीसीटीवी फुटेज है वो हासिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल।